स्टेट वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप इंदौर में शिवपुरी से जूनियर वर्ग में मुस्कान शेख ने इस वर्ष भी 127 किलो वजन उठाकर गोल्ड जीता है। मुस्कान पावर लिफ्टिंग में भी कॉमनवेल्थ गेम्स में अपना प्रदर्शन करने जा रही है। 24 नवंबर से 4 दिसंबर तक न्यूजीलैंड में आयोजित होना है। इसके अलावा सीनियर वर्ग में भावना शर्मा ने कुल 87 किलो वजन उठाकर गोल्ड जीता और हेमलता ने सिल्वर एवं सना खान ने ताम्र पदक जीता। लड़कों में यश नामदेव ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। विजेता खिलाड़ियों को वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन शिवपुरी के जिला अध्यक्ष सचिन शिवहरे, उपाध्यक्ष एम आर नेवासकर, कोषाध्यक्ष मीडिया प्रभारी, जिला खेल अधिकारी ने बधाई दी और खिलाड़ियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। आपका नाम? मेरा नाम मुस्कान शेख है और अभी मैं एमपी स्टेट टूर्नामेंट खेलने गई थी जिसमें मेरा गोल्ड मेडल लगा। मैंने टोटल वेट 130 kg लिफ्ट किया था। अभी इंदौर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। अब मेरा सिलेक्शन नेशनल में हो गया जो कि अब दिसंबर में होगा केरला में। अच्छा, इसके अलावा? और इसके अलावा अभी मैं 27 नवंबर को न्यूजीलैंड खेलने जाऊंगी पावर लिफ्टिंग में इंटरनेशनल कॉमनवेल्थ। अच्छा, कॉमनवेल्थ गेम्स में जा रही हो। कितनी तारीख से कितनी तारीख तक? ये 27 नवंबर से 4 दिसंबर। अच्छा, आपका वीजा वगैरह सब कंप्लीट हो गया? हाँ, वो सब कंप्लीट है। अच्छा, शिवपुरी से कितने बच्चे इंदौर खेलने गए थे? शिवपुरी से अराउंड 15 प्लेयर्स गए थे खेलने, जिसमें से 3 लड़कियों का मेडल आया, 2 लड़कियों का गोल्ड आया और 1 लड़की का सिल्वर आया है और 1 लड़के का ब्रॉन्ज आया है। गोल्ड किस किस का आया है? गोल्ड मेरा गोल्ड आया है और एक दीदी है भावना शर्मा, उनका गोल्ड आया है। अच्छा, इसके अलावा वहाँ पर जो व्यवस्था थी वो किस तरीके की थी इंदौर में? वहाँ पे उन्होंने एक और आधे दिन में ही पूरा टूर्नामेंट करवा दिया था। मतलब कंटिन्यू वहाँ पे टूर्नामेंट चला था और रुकने का भी ठीक था, मतलब थोड़ा सा दूर था बट ठीक था। अच्छा, आपके कोच कौन है? हमारे कोच एमआर निवासकर सर, सब बच्चों को उन्हीं ने ट्रेनिंग दी है जो शिवपुरी से गए थे। अच्छा अच्छा, तो पिछली बार की अपेक्षा इस बार शिवपुरी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है? हाँ, पिछली बार की अपेक्षा इस बार शिवपुरी ने अच्छा, बहुत अच्छा किया है, क्योंकि पिछली बार केवल 2 ही लोग गए थे शिवपुरी से, मैं और भावना दी थी, लेकिन इस बार अच्छे मात्रा देखने को मिली है। लोग मतलब ज्यादा बच्चे गए इस बार शिवपुरी से और मेडल भी आए हैं। मतलब शिवपुरी शहर में वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग का एक क्रेज सा बन गया है लोगों के बीच में। हाँ, मतलब पिछले 2-3 साल से लोगों का रुझान बढ़ रहा है वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग में। लोग अब कर रहे हैं आगे वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग की तैयारी, जैसे जैसे सुनते जा रहे हैं टूर्नामेंट्स वगैरह का। नए खिलाड़ियों को क्या संदेश देना चाहोगे? नए खिलाड़ियों को यही संदेश देना चाहूंगी कि बिल्कुल अपनी तरफ से 100% दो। जितना तुम अच्छा करोगे उतना आगे तक जाओगे, बस पूरा वो अब तुम्हारी मेहनत पे डिपेंड करता है। अच्छा, बेस्ट ऑफ लक। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।